सोने से पहले उसने अपने घनूदगी में लेटे हुए शोहर को मुखातिब किया। उसने नींद में डूबी आंखें खोली और थोड़े कड़वे लहजे में बोला, तुमको कितनी दफा कहा है मैंने नींद से नहीं उठ पाता फजर में, सारा दिन का थका हारा होता हूँ। वो उसे देखते हुए बोली, पर नमाज तो फर्ज है ना, फजर ही क्या, आप कोई भी नमाज अदा नहीं करते, बस जुम्मा या ईद की नमाज। इसकी बात सुनकर वो झुंझलाकर बिस्तर पर बैठ गया और कहा, देखो फिरदौस, तुम नमाज पढ़ती हो ना, मैं कभी नहीं टोकता, मगर ये बार बार मुझे मत लेक्चर दिया करो, सबने अपना अपना हिसाब देना है, अब सोने दो मुझे और लाइट बंद कर दो। और वो बिस्तर पर फिर लेट गया। अच्छा सुने, उसके बाद फिर पुकारने पर उसका जवाब दे गया, फिर दोस्त एक बार कह दिया तो क्यों वो बहस कर रही हो बार बार। वो कुछ देर के तवक्कुफ के बाद बोली, नमाज का नहीं कह रही, दूसरी बात है। क्या? उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या पूछना चाह रही है। मुझे कल पैसों की जरूरत है, जो आपने दिए सब खत्म हो गए। सब खत्म हो गए? उसके लहजे में बला की हैरत थी। खुदा की बंदी, ऐसे कहाँ खर्च किए तुमने पैसे, अभी आधा महीना बाकी है तनख्वाह मिलने को और तुमने महीने भर का बजट अभी से खत्म कर दिया है। मैं आपको हिसाब नहीं देना चाहती, बस हो गए खर्च, कल बंदोबस्त कर दीजिएगा पैसों का। उसकी बात पर उसके तन मन धन में आग लग गई। क्यों हिसाब नहीं देना चाहती? पैसा क्या दरख्तों पर लगा है जो तोड़ ले बंदा? ऐसा तो आज तक तुमने नहीं किया, फिर इस बार क्यों? कुछ भी हो, मुझे सारा हिसाब चाहिए। अभी उसका चेहरा बता रहा था वो सख्त गुस्से में है। उसकी बात पर उसकी बेगम मुस्कुरा उठी। वो हैरत से उसे देख रहा था। तुम हंस रही हो, मजाक है क्या ये? वो बोली, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि अल्लाह ने आपको इस घर का सरबराह बनाया और जब आपकी सरबराही में मैं हिसाब ना रख पाई तो आपको गुस्सा आ गया। अब सोचे कल को आपसे भी वो रब मैशर में हिसाब मांगेगा तो कैसे देंगे? आपका मेरा हिसाब तो चंद हजार रुपयों का है, पर बंदे और रब का तो पूरी जिंदगी की एक एक नेमत का हिसाब है जिसकी कोई कीमत नहीं है, कोई बदल नहीं है। वो उसे सुन रहा था। वो फिर बोली, मैंने तो आपको मजे से कह दिया मेरे पास हिसाब नहीं है, पर क्या आप उस बड़े दिन अपने रब के सामने ये कह पाएंगे कि मेरे पास हिसाब नहीं है? जिस दिन बड़े बड़े बादशाह उसके सामने कांप रहे होंगे। वो चुप हो चुका था, नजरें झुकाए तसव्वुर में, जैसे उस बड़े दिन के तसव्वुर से कांप रहा था। आप फिक्र ना करें, हर महीने की तरह इस बार भी पूरा हो जाएगा, कहीं खर्च नहीं हुए पैसे, ये तो बस इसलिए कहा था कि उसने बात अधूरी छोड़ दी। सो जाएं, मैं लाइट बंद कर देती हूं। वो उठी तो वो एक दम बोल पड़ा, फिर दोस्त जी तुम उठो तो फजर के लिए मुझे भी जगा देना। फजर में एक नई रोशनी फूटने वाली थी। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत तरीके से मिसेज ने अपने हस्बैंड को नमाज की तरफ लगाने के लिए मिसाल से काम लिया है। मेरे पाक अल्लाह मुझे और देखने वालों को तमाम को हर नमाज पढ़ने की तौफीक इनायत फरमा, और हम सबके दिल से तुझसे माफ़ी मांगते हैं। परवरदिगार हमें माफ़ फरमा, हमें माफ़ फरमा, माफ़ फरमा।